कि नहीं मुझे इसको फेंकना नहीं है, मुझे इसको फेंकना नहीं है, कि वो इतने सुंदर सुंदर पैकिंग क्यों बनाते हैं, ऐसे कौन सा किसका है मुझे खुद याद नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब हमें किसी सामान की जरूरत होती है और घर में हम ढूंढने चलते हैं वो हमको नहीं मिलता। नमस्ते और होम एंड हॉबीज में मैं गौरी आज आपको वापस से मोटिवेट करने जा रही हूँ अपने घर को डीक्लटर करने के लिए। डीक्लटरिंग का मतलब कहीं से ये नहीं होता कि काम में आने वाली चीजों को हम उठा के फेंक दें, लेकिन जो सामान अब हमारे काम में नहीं आता है उसको हमें जरूर डिस्कार्ड कर देना चाहिए या डोनेट कर देना चाहिए। आज के वीडियो में ऐसी ही 11 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जो तुरंत ही हमको अपने घर से हटा देनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में स्पेस क्रिएट हो, हमारा घर क्लटर फ्री रहे। और डीक्लटरिंग करने से ना सिर्फ हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड होता है बल्कि पॉजिटिव एनर्जी भी फ्लो होती है। और साथ ही मैं आपके साथ में कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ये सामान को हम कहाँ डोनेट कर सकते हैं ये भी शेयर करूंगी। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो अभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग बहुत कम कर दी है, लेकिन फिर भी घर में कुछ ना कुछ आ ही जाता है क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है चीज़ों की। जो सामान हमने मंगाया है वो तो काम में आना शुरू हो जाता है और हम क्या करते हैं इनके ये बॉक्सेस ना संभाल के रख लेते हैं कि हमारे कहीं और काम में आ जाएंगे ऑर्गेनाइज़र बनाने के, और कुछ नहीं होगा तो DIY तो बनाना ही है। बस ये बॉक्सेस इसी तरह से होते रहते हैं घर के अंदर इकट्ठे। अगर घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करनी है, अपने घर की स्पेस क्लियर करनी है, तो आज ही इन बॉक्सेस को हटा दीजिए और फील द चेंज। अगर आप चाहते हैं इन बॉक्सेस को यूज़ करना और 100% श्योर हैं कि आप इनको किसी ना किसी तरह से यूज़ करने ही वाले हैं, तो 4-5 रख लीजिए। उसके बाद भी अगर घर में रखे हुए हैं तो तुरंत ही उनको हटा दीजिए। बस ये आपके घर में एक क्लटर क्रिएट कर रहे हैं और आपके घर की स्पेस को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता रही हूँ कि जैसे अगर आपने कोई चीज़ अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली परचेज करी है तो उसके बॉक्सेस हमको स्पेशली ध्यान में कुछ दिन रख लेने चाहिए कि बाय चांस अगर उनमें कोई डिफेक्ट आया है या वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हमको उनको बॉक्सेस के साथ में ही रिटर्न में देना पड़ता है, क्योंकि वारंटी तभी वो मानते हैं। तो जैसे अगर मैंने ये ईयरबड्स लिया था, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है, और हुआ भी ये कि 5-6 दिन बाद में ही उसने काम करना बंद कर दिया, तो मेरे पास में अल्टीमेटली ये बॉक्स रखा हुआ है तो मुझे इसको एक्सचेंज करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन 5-6 महीने के बाद में अगर मैं इस बॉक्स को रखती हूँ तो ये घर में सिर्फ एक क्लटर ही क्रिएट करेगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप भी रिस्ट वॉच पहनते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो रिस्ट वॉच पहनना बहुत पसंद था और मैं हमेशा पहनती भी थी, लेकिन मम्मी बनने के बाद में छूट गई। और अब मैं ज़रूर सोचती हूँ कि हाँ अब मैं पहनना शुरू कर लूँगी, लेकिन वो अब आज तक नहीं आया। किसी दिन मन भी होता है ना कि आज बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से तैयार होके जाएंगे तो घड़ी पहन के जाए, तो उस समय जब वो घड़ी निकालो तो वो बंद पड़ी हुई मिलती है अक्सर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा ही रही हूँ, ये मैं इंसिडेंट आपको बता रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बहुत अच्छे से मैं रेडी हुई थी और सोचा कि आज ये मैं अपनी ये ब्यूटीफुल सी रिस्ट वॉच पहन के जाऊँगी। मैं पहन के चली भी गई, जब वहाँ टाइम देखने के लिए मैंने अपना हाथ देखा तो ये घड़ी पड़ी थी बंद। होता है ऐसा अक्सर हमारे साथ, सबके साथ होता है। तो घर के अंदर जो बंद पड़ी हुई घड़ियाँ हैं, रिस्ट वॉच हैं या फिर क्लॉक्स हैं, वॉल क्लॉक्स हैं, उनको जो आप काम में लेने वाले हैं उनको ठीक करा के रख लीजिए, अदरवाइज हटा दीजिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु, जो घर के अंदर जो पॉजिटिविटी का फ्लो की मैंने आपसे बात करी, उसके लिए भी ये बंद पड़ी हुई घड़ियाँ घर में रखी हुई अच्छी नहीं होती। कुछ घड़ियों के साथ में हमारी सेंटिमेंटल इमोशनल वैल्यू भी होती है। जैसे ये इम्पोर्टेड वॉच है, मुझको गिफ्ट करी गई थी और मैं इसको हटा नहीं पा रही हूँ। अब मैं इसको रिपेयर कराने जाती हूँ तो जो रिपेयर करने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि ये यहाँ पे रिपेयर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये चलती चलती बंद हो गई थी, सेल लीक हो गया है और वो यहाँ पे रिपेयरेबल नहीं है। बहुत मुश्किल से मुझको सोचना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरह से हटाऊँ, या तो एक्सचेंज ऑफर में दूंगी या कुछ करूँगी। बस आपके घर में एक ये नेगेटिव एनर्जी ला रही हैं और क्लटर क्रिएट कर रही हैं। बात कर लेते हैं आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की। आई एम श्योर आपके घर में भी बहुत सारे पुराने मोबाइल्स, लैपटॉप या फिर ये जो टैब्स आते हैं, ये सब ज़रूर रखे होंगे, क्योंकि जब हमें ये परेशान करना शुरू कर देते हैं हम नया ले आते हैं, या फिर अपग्रेड करना होता है तब हम नया ले आते हैं।
लेकिन पुराने का क्या करते हैं मुझे बताइएगा। ये बस हम घर में ना ऐसे ही रख लेते हैं, इनको हम यूज़ कर लेंगे, इनको हम रिपेयर करा लेंगे। इसी तरह से ये देखिए मेरे पास में कितना सारा कलेक्शन है, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ, चलता रहता है, ये सब हर घर में होता है। इतने सारे रिमोट हैं, ये जो स्ट्रिप एलईडी लाइट आती है, लेकिन इनमें से कौन सा किसका है मुझे खुद याद नहीं है। और अभी अल्टीमेटली वो एलईडी लाइट भी घर से रिमूव हो चुकी है, लेकिन रखे हुए हैं ये रिमोट रखा हुआ है फायर टीवी का, पुरानी फायर टीवी स्टिक। ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हमारे घर में होते हैं, आप ढूंढने को चलेंगे तो मिल जाएंगी, और हम उनको हटाते नहीं हैं बस ये सोच के कि हाँ ये कभी ना कभी हमारे काम में आएंगी। कभी हमारा मोबाइल खो जाएगा तो हम ये पुराना वाला मोबाइल यूज़ कर लेंगे, या फिर एज ए स्टोरेज यूज़ कर लेंगे, या फिर इसके अंदर हमारी बहुत सारा फोटोग्राफ्स हैं, डेटा कलेक्ट है, वो कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन वो कितना यूज़ करते हैं कभी सोच के देखिएगा। इनको आज ही हटा दीजिए, ये घर में बस क्लटर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बिलीव मी, जिस दिन आप ये हटाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपका ही बहुत सारा वेट कम हो गया है। मुझे ना गिफ्टिंग कंपनीज वालों से एक ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि वो इतने सुंदर सुंदर पैकिंग क्यों बनाते हैं। मतलब मेरे जैसे जो डेकोर लवर्स हैं या जिनको ऐसी सब चीज़ें इतनी पसंद है, उनको ये फेंकने में कितना दुख होगा, वो ये कभी सोचते नहीं है क्या? देखिए ना कितने सुंदर ये गिफ्ट बॉक्सेस हैं, ये वाला गिफ्ट बॉक्स है, और इसमें तो ना मैं क्या बोलूँ, ये दिवाली पे आया था और मेरी इसके अंदर जान फंसी हुई है कि नहीं मुझे इसको फेंकना नहीं है, मुझे इसको फेंकना नहीं है, मैं इसको कहीं DIY करूँगी, कहीं इसको मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। और ये इस टाइप के जो चॉकलेट बॉक्सेस आते हैं, आई नो इनको हम ज्वेलरी बॉक्स के जैसे या और कुछ छोटे छोटे निकनैक रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में स्पेस भी तो लिमिटेड ही होती है ना, अनलिमिटेड तो नहीं होती। हम कितना कितना रख सकते हैं, और अल्टीमेटली मुझे इनको हटाना ही पड़ेगा, और इनको हटाते हुए मुझे कितना दुख होगा ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इनको ऐसे ही हटा दूँगी, मैं ज़रूर कुछ लोगों से पूछूँगी क्या आपके ये काम में आएंगे, प्लीज़ इनको ले लीजिए। मैं अपने घर में नहीं यूज़ कर पा रही हूँ, शायद आपके घर में ये एक बहुत सुंदर सा बॉक्स आएगा जिसमें आप अपनी निकनैक रख पाएंगे, एक्सेसिबल्स रख पाएंगे। घर में आते ही जैसे हमको वॉलेट रखने होते हैं, वॉच रखनी होती है, उसके लिए कितना प्यारा बॉक्स है, लेकिन ना जगह नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, इसके लिए मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये वाले शैम्पू से ना मेरे बाल तो एकदम सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे, और ये फेस वॉश, इससे तो मेरी स्किन इतनी ग्लो करेगी ना, ओ माय गॉड। लेके आते हैं हम कई बार ऐसी सब चीज़ें और कलेक्ट कर लेते हैं उनको अपने बाथरूम में, और उसके बाद में हमको पता चलता है कि नहीं, जिस पर्पज़ से हम लेके आए थे उसमें वो हमारे किसी भी काम में नहीं आ रही है, और कई बार तो हो जाती है एक्सपायर भी। मैंने ये सब चीज़ें ज़्यादातर कई बार ऑनलाइन मंगाई है, इनके रिव्यूज़ देख के या ये सोच के कि हाँ मैं इनको काम में लूँगी, लेकिन इनके रिजल्ट्स उस तरह से नहीं हैं। ये सैंपल में भी आ जाती हैं चीज़ें, हम सोचते हैं कि हाँ सैंपल में मिली है चीज़ तो इसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं, या पता है इसका रिज़ल्ट अच्छा हो, एक दो बार यूज़ करने के बाद में वापस से ये ऐसे ही पड़ी रहती है। तो आज ही अपने बाथरूम को भी क्लियर करिए और देखिए वहाँ पर कितना स्पेस जनरेट हो जाएगा। जितना सामान हमारे घर में होता है ना, उतना ही हमारे मंदिर में भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पूजा में, हमारे जो मंदिर का सामान होता है उसमें भी कलेक्ट होती ही जाती हैं, जैसे भगवान जी के नीचे बिछाने के जो आसन होते हैं, या फिर मूर्तियों को पोशाक पहनाते हैं, वो जो पूजा का सामान लेके आते हैं उसके खाली डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं। ये सोच के हम रखते हैं कि हाँ हम इनको रखते हैं, इसमें कभी कपूर भर लेंगे तो कभी लौंग रख लेंगे, या फिर कुछ डेकोर रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, जैसे दिवाली पे ये लगाया हम इनको रीयूज़ कर लेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, जितना लिमिटेड सामान आप अपने मंदिर में, आप अपने पूजा रूम में रखेंगे, उतना ही आपका पूजा में मन ज़्यादा लगेगा, नहीं तो आपका इन सब चीज़ों के अंदर दिमाग लगा रहेगा और आप बस उसी की सफाई में लगे रहेंगे। रिसेंटली मैंने अपने मंदिर को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया और डीक्लटरिंग करी, उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको उससे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा।
हमारी ना मेंटेलिटी होती है कि घर में कोई भी चीज आ जाए ना, उसको जब तक हम पोछा ना बना लें या फिर उससे डस्टिंग ना कर लें या उससे फिर क्लीनिंग ना कर लें, तब तक वो फुल्ली यूज नहीं होती है। स्पेशली ये टॉवल्स या बेडशीट्स या बच्चों की टी शर्ट। आजकल जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे या और सोशल मीडिया में देख रही हूँ, वहाँ पे मैंने कई जगह ये सुना है कि हमको अपने यूज़ करे हुए कपड़े, बेडशीट्स या टॉवल्स या टी शर्ट्स जो कुछ भी है, वो हमको कभी भी डस्टिंग और मॉपिंग में यूज़ नहीं करने चाहिए, उनसे हमारे ख़राब होते हैं ग्रह। आपका इस टॉपिक को लेके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या सही क्या गलत वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये सब चीज़ें घर में क्लटर ज़रूर क्रिएट करती हैं। बेडशीट्स का मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, ये टॉवल एक वापस से कहीं से निकल के आया है और इसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। अगर करना ही है तो इसको 100% आज से ही यूज़ करना शुरू कर दीजिए। संभाल के मत रखिए कि हाँ हम इसको कभी यूज़ कर लेंगे, कभी काम में आ जाएगा, और बस कहीं हमने उसको कबर्ड के अंदर घुसा के रख दिया एज अ क्लटर। क्या आपको भी मेरी तरह बुक रीडिंग का शौक है और आप बुक लवर हैं, तो आपके पास भी मेरी तरह ही बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन होगा, आई नो। लेकिन आप सोच के देखिए, वो बुक्स आपको पढ़े हुए कितना टाइम हो गया, क्या आप उनको वापस से पढ़ने वाले हैं या बस आपने उनको एज अ मेमोरी या बस लाइब्रेरी में रखा हुआ है। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप उनको ज़रूर रखिए, पढ़ने के बाद में किसी के साथ में एक्सचेंज ऑफर में ले लीजिए। और कुछ बुक्स ऐसी भी आ जाती हैं, हम शौक में ले लेते हैं कि हाँ इनको कभी पढ़ेंगे, या फिर गिफ्ट में भी मिल जाती हैं आपके बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे, वो हमारे टेस्ट की नहीं होती हैं, बस हम उनको रख लेते हैं, हाँ शायद कभी पढ़ लेंगे। उन बुक्स को तो तुरंत ही हमको हटा देना चाहिए, किसी लाइब्रेरी में डोनेट कर दीजिए जहाँ पे कोई और उनको चाहने वाला उनको पढ़ सके, लेकिन हम उनको अपने घर में रख के खाली स्पेस ही खराब कर रहे हैं। मुझे ना सच सच बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आप भी ये इस तरह की खाली बॉटल्स घर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और ये जो डिलीवरी में कंटेनर्स आते हैं, तो बॉटल्स होती हैं रिफिल की, इस तरह के रिफिल्स आते हैं, इनमें भर जाते हैं, मैंने फेंक दी है इसकी, अभी मेरे पास नहीं है दिखाने के लिए, ये डिश लिक्विड की है। लेकिन हम सोच के क्या रखते हैं कि हम रिफिल पैक लाएंगे और इनमें भर लेंगे, लेकिन तब क्या होता है जब हम डेटॉल की जगह ले आते हैं पामोलिव या बाथ एंड बॉडी, तब भी वो जो खाली बॉटल होती है उसको हम घर के अंदर संभाल के रखते हैं, कभी जब हम अगली बार डेटॉल लेके आएंगे तब ये हमारे काम आएंगी। इसी तरह से ये आते हैं जो डिस्पोजेबल कंटेनर्स, दो तीन रख लीजिए, आई नो कई बार बहुत काम में आते हैं, किसी को हमको कुछ देना होता है, बाहर जाने वाला कोई होता है उसको हम खाना रख के दे सकते हैं, या घर से कुछ सामान देना है वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। 8-10 रख लिए, ऐसी एक दो रख ली, अब हम घर में बस रखते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है। इनको आज ही हटा दीजिए और अपने घर की स्पेस को क्लियर करिए, घर के अंदर पॉजिटिविटी आने दीजिए। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ वो आजकल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है डिजिटल डिक्लटरिंग। अपने मोबाइल को चेक करिए कि उसकी इंटरनल स्पेस कितनी बची है। बेचारा ना घुट रहा होगा कि मुझे थोड़ी सी स्पेस दे दो, मुझे थोड़ी सी स्पेस दे दो। क्या होता है, सुबह से गुड मॉर्निंग मैसेजेस, फेस्टिव मैसेजेस, विशिंग के मैसेजेस, बहुत कुछ हमारे व्हाट्सएप में आते हैं और वो हमारे मोबाइल की गैलरी में बस स्टोर होते जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारा मोबाइल होने लग जाता है हैंग या फिर उसकी स्टोरेज स्पेस हो जाती है बिल्कुल ख़त्म। तो या तो सेटिंग ऐसा कर लीजिए कि आफ्टर 15 days या 30 days जो भी कोई फोटोग्राफ्स हैं जो कॉमन फोल्डर्स में आई हुई हैं वो डिलीट हो जाए, या फिर आप उनको मैन्युअली डिलीट कर लीजिए। कुछ जो स्पेशल फोटोग्राफ्स हैं जैसे हम लोग अपने मोबाइल के अंदर लेते हैं वो ज़रूर हमें रखनी होती है एज ए मेमोरी, उनको मैं डिलीट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो ये डिजिटल डिक्लटरिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मोबाइल तभी या जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली फंक्शन तभी कर पाता है। इसके ऊपर मैं आपसे एक बात और पूछने वाली हूँ कि क्या आप इंस्टाग्राम पे हैं, एक्टिव हैं? मैं इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ज़रूर उसके ऊपर पोस्ट करती हूँ, तो अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे भी फॉलो कर लीजिए। दिखाने के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन वीडियो होता जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जो सब हमने सामान निकाला है क्या हमको इसको बस ऐसे ही फेंक देना चाहिए? नहीं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं।
तो इस सामान में से जो सामान हम डोनेट कर सकते हैं उसको हमको डोनेट कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनको इस सामान की ज़रूरत है। घर में आपके डेली हेल्प आती है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, या फिर आप रोड पे जाते हैं, जैसे कपड़े हैं तो वहाँ पे भी हम दे सकते हैं। जो सामान खराब हो गया है, आउटडेटेड हो चुका है, एक्सपायर्ड है या फिर टूट गया है, उसको तो हमको अल्टीमेटली हटाना ही पड़ेगा, फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको कभी भी हमको डायरेक्ट ऐसे अपने जो रेगुलर गार्बेज जाता है उसमें नहीं फेंकना चाहिए। उसके लिए हमको सेपरेट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लेते हैं कंपनीज, जैसे क्रोमा है या फिर बीच बीच में इस तरह के आउटलेट्स लगते रहते हैं जहाँ पे जाके हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं, वहाँ पे जाके हमको देना चाहिए। और एक वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ ऐसे NGOs होते हैं जो कि यूजेबल सारा सामान लेते हैं, उसको हमको वहाँ पे जाके दे देना चाहिए, जिससे कि वो सामान किसी के यूज़ में आ सके, रिसाइकिल हो सके, रिपर्पज हो सके। तो आज मैं ये सामान ऐसे ही एक NGO में देने जा रही हूँ, जिसकी पिक्चर मैं आपको अपने शॉर्ट्स में या कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूंगी। तो आपने मुझको फॉलो नहीं किया है अब तक तो ज़रूर कर लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। एक लटरिंग के ऊपर मैं और भी कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, इस वीडियो के बाद में ज़रूर देख लीजिएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा अपना घर क्लियर करने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर मोटिवेट करेगा अपने घर से फालतू सामान हटाने के लिए, या जो सामान अब आपके काम नहीं आ रहा है उसको हटाने के लिए। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज आप अपने घर में से कौन सा सामान हटाने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़।